केदारनाथ यात्रा कैसे करें, केदारनाथ धाम जो है कैसे जाएं, जो कि हरिद्वार से 200-250 किलोमीटर है, बद्रीनाथ भी, केदारनाथ भी और गंगोत्री भी, यमुनोत्री भी, तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे, ये बहुत आदमी का सवाल होता है। आज अभी हम खड़े हैं उत्तराखंड के हरिद्वार स्टेशन पे। आप लोग कहीं पे भी हैं, किसी भी स्टेट में हैं, आप लोग अगर गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाना है, तो सबसे पहले आप लोग अपने वहां से कोई भी लोकल ट्रेन या किसी से भी आप दिल्ली आइए। पहले दिल्ली से आप लोकल 300-400 रुपये में आपको आराम से दिल्ली से आप हरिद्वार आ, हरिद्वार आना ही पड़ेगा। हरिद्वार आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग स्टेशन से बाहर निकलिएगा और बहुत सारी बसेस खड़ी यहाँ पे, चलिए अभी जाते हैं, जाएंगे हम, आपको सब कुछ दिखाएंगे, सब दिखाते हैं यहाँ पे। हरिद्वार स्टेशन पे आने के बाद हम लोग कैसे हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकले और फिर जो है कैसे बस पकड़ें, होटल और अगर रात में कैसे रुके, खर्च में आप कैसे अपना जर्नी एक्सपेंड कर सकते हैं, कितने अच्छे से घूम सकते हैं, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिए। चलिए अभी जो है हरिद्वार स्टेशन से बाहर जाते हैं। यहाँ पे देखिए हरिद्वार स्टेशन है, ये स्टेच्यू बना हुआ है और यहाँ देखिए लिफ्ट पे कितना भीड़ है। तो चलिए अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे करके हम लोग जो है केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री जा सकते हैं। बाइक वगैरह रेंट पे आराम से ले लीजिए, 300-400 में जा। उसके बाद बहुत सारा हरकीपुरी है घूमने के लिए, मानसा देवी है, चंडी देवी है, बहुत जगह जा सकते हैं। और यहाँ देखिए हमारे भगवान शिव का कितना बड़ा स्टेच्यू है, जैसे ये हरिद्वार, यही है हरिद्वार। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं हरिद्वार स्टेशन से, जैसे ही बाहर निकले यहाँ पे बहुत भव्य जो है स्टेच्यू दिखा भगवान शिव का, और इसलिए इनको देवभूमि कहा जाता है हरिद्वार को, क्योंकि यहाँ पे जो है भगवान हर जगह मिल जाते हैं, हर कोने, मतलब हर जगह इनका जो है स्टेच्यू मिलेगा ही मिलेगा आपको। और यहाँ पे बहुत सारे घूमने का जगह है हरिद्वार में, हर की पौड़ी घूमिए, चंडी देवी घूमिए, मानसा देवी घूमिए, जस्ट बगल बगल में है 1-2 किलोमीटर पे, आप यहाँ पे पहले विजिट कर लीजिए चंडिका देवी, मानसा देवी, हर की पौड़ी घूम लीजिए बढ़िया से, उसके बाद जो आराम से केदारनाथ यात्रा और जो भी बद्रीनाथ यात्रा या गंगोत्री, यमुनोत्री जाना है आपको, तब कंटिन्यू कीजिए। चलिए अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे होटल वगैरह जो है वहाँ कैसे जा सकते हैं आप, और बस कैसे पकड़िएगा केदारनाथ के लिए, चलिए अभी वो आपको दिखाते हैं हम। हम लोग लगभग आ गए हैं हरिद्वार जो है रेलवे स्टेशन से बाहर। अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं, जैसे ही बाहर आइएगा, सबसे कम खर्च में कैसे आप केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर सकते हैं यहाँ से, बद्रीनाथ भी यहीं से जा सकते हैं आप, गंगोत्री, यमुनोत्री सब यहाँ से जा सकते हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे बस स्टैंड, इसको भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ से आपको बस नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ता है। इसका अगला जो गेट है गेट नंबर 2, वहाँ पे आपको मिलेगा सारा कुछ, सब बस मिल जाएगा, जहाँ जाइए आप, बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, दिल्ली जाइए, जहाँ जाना वहाँ जाइए यहाँ से। ये देखिए, ये रहा बस स्टैंड, यहाँ देखिए कितना बस लगा रहता है, हमेशा इतना बस लगा रहता है यहाँ पे कि आप आराम से जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ का, यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं बस स्टैंड में, और यहाँ पे सारा, मतलब जितना भी जगह का होता है बस आपको आराम से मिल जाएगा, चाहे आप केदारनाथ जाइए, चाहे आप बद्रीनाथ जाइए, चाहे आप गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ जाइए, लेकिन सबसे पहले हर की पौड़ी यहाँ पे घूम के ही जाइएगा, और माता चंडिका, और जो है यहाँ पे बहुत मानसा देवी बहुत प्रसिद्ध है, प्लीज़ जाइएगा, विजिट कीजिएगा, और यहाँ पे सब तरह का बस मिल जाएगा, जहाँ जाइए आप, आगरा का, उसके बाद उत्तराखंड में कहीं भी, जयपुर कहीं भी जाइए आप, यहीं पे आके आप केदारनाथ जाइएगा, और ज़्यादा यहाँ पे भाड़ा नहीं लगता है आपको, 600 रुपया लगेगा, और 8 घंटे में पहुँचा देगा, सुबह में 4 बजे बस पकड़ लीजिए आके आराम से, और जो है शाम को 2-3 बजे आराम से उतर जाइए, फिर जो है आगे का जो है आप यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देखिए यहाँ पे हम बस स्टैंड से जैसे ही निकले, यहाँ पे होटल आपको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों साइड में मिल जाएगा, आप आराम से यहाँ पे आके खाना खा सकते हैं, जैसा खाना खाइए, एकदम वेज और जो है नॉन वेज के लिए 1-2 किलोमीटर आगे भी जाना पड़ेगा, और जो है रहने का भी पूरा व्यवस्था है यहाँ पे, और यहीं पे बगल में खाना खा के आराम से जो है सुबह में 4 बजे आप बस पकड़ लीजिए और आराम से केदारनाथ के लिए निकल जाइए। तो अभी जो है होटल भी थोड़ा आगे जाइएगा तो वहाँ रहने का सारा सुविधा मिल जाएगा, 500 में रूम मिलेगा आपको, आराम से रह सकते हैं, और 600 जो है आपको किराया लगेगा केदारनाथ का, तो ज़्यादा आपको यहाँ से मुश्किल भी नहीं है, कम खर्च में आप आराम से केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं।
जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में केदारनाथ का यात्रा के साथ।